सो टुडे इज डे 3। अगर आपने मिस किया तो 2 दिन का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में है, जाके देखना जरूर। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जो हम लोग वीडियो खत्म कर रहे हैं उसके बाद उसकी एक इलेबोरेटेड पार्ट भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वॉच टिल द एंड। पर्सनली मुझे लग रहा है कि जब आप सीख रहे हो तो थोड़ा डिटेलिंग में जाना जरूरी है, बट आजकल जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो गया है कि सब कुछ फास्ट करने की कोशिश है। और इसमें ना एक मिस्टेक भी होते हैं, जो मिस्टेक लाइफ में एक फिलोसॉफिकल मिस्टेक है। ये जो ड्रॉइंग और स्केचिंग का पार्ट हम लोग बोल रहे हैं, ये एक स्किल एनहांसमेंट है, इसमें टाइम लगता है। होता क्या है कि आप कोई अच्छा ड्रॉइंग देखते हो, फिर उसी के तरह करने की कोशिश करते हो, अब बीच में जो प्रैक्टिस है इसको छोड़ देते हो, जो बहुत जरूरी होता है, जो बहुत बड़ा गलती हो जाता है। हम लोग जो भी ड्रॉइंग कर रहे हैं वो काफी दिन की प्रैक्टिस के बाद ही करते हैं। ये ड्रॉइंग देख के मत सोचना कि अरे मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई भी बंदा पहले दिन से ये ड्रॉइंग नहीं करता था। सो हैव पेशेंस, हैव फेथ ऑन योर स्किल एंड कीप प्रैक्टिसिंग डेली। और पहले ही मैंने बोला है, DM us और स्टोरी पे आप टैग करो हम लोगों को, अच्छा काम होगा। संडे को मैं डिस्क्लोज करूंगा कि किसका काम कितना अच्छा हुआ है। अब आज की जो टॉपिक है, आज का टॉपिक मैंने ये सेट किया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है NID टाइप एग्जाम के लिए। NID में जैसे क्वेश्चन आया था, एक स्पून को फोक के साथ टाई करोगे तो कैसे होगा, इससे मैं समझाता हूँ। इसमें एक चीज वो समझने की कोशिश कर रहा है कि आपको स्पून का साइज और फोक का साइज के बारे में आइडिया है कि नहीं, मेजरमेंट। देन स्पून की जो ड्रॉइंग होती है और फोक का जो ड्रॉइंग होता है थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि स्पून पकड़ने का और फोक एक उठाने की जो तरीका होता है, हैंडलिंग का है डिफरेंस, होल्डिंग प्रोसेस के लिए होती है, बट डिफरेंट हो जाता है। ये सब चीज आपको आता है कि नहीं, उसके जो एज है उसमें फर्क आता है, वो आपको समझ आता है कि नहीं। और ये मुझे नहीं पता है कि इतने डिटेल में NID भी सोच रहा था कि नहीं, बट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पून और डिफरेंट काइंड ऑफ फोक होता है। स्पून और फोक जिस खाने में एक साथ यूज होता है उसमें स्पून एंड फोक की साइज भी डिफरेंट होती है, और बाकी सब जगह में दोनों एक साथ यूज भी नहीं होता है। तो ये सारे डिटेलिंग जो है और मेजरमेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि डिजाइन जो है ना वो लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, और ये लोग यही समझते हैं आप लाइफ से खुद कितने जुड़े हुए हो, अपने आसपास को खुद कितना देखा है। तो इसलिए ये मेजरमेंट समझना, हर एक चीज को जो भी आप यूज करोगे, जैसे जो पेंसिल आप लेके हाथ में बैठे हो उसका कितना इंच साइज है, जो नया पेंसिल होता है, एक पूरा इरेजर जो आता है, जो बड़ा इरेजर हम लोग बोलने से बोलते हैं, उसका साइज कितना होता है, अभी नोटिस किया है? इनफैक्ट A4 साइज शीट कितने होते हैं, आपको जो बॉक्स मिलता है NID के क्वेश्चन पेपर में वो कितना होता है। इस तरह का हर एक चीज है जो कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो मेजरमेंट के लिए तो यू आर नॉट सपोज टू बिकम अ गुड डिजाइनर। तो ये पहले चेक किया जाता है कि ये सेंस आपके अंदर है कि नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है कि नहीं। एंड कंपैरेटिव मेजरमेंट की बात मैंने किया है, वो क्या होता है? वो ये होता है कि अगर मान लो आपको ये बोला जाए कि आप एक अच्छे से पेंसिल बॉक्स ड्रॉ करो और एक मैच बॉक्स ड्रॉ करो, आप लोग ये देखते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं, अगर मैं पेंसिल बॉक्स के कंपेयर पे एक मैच बॉक्स बनाता हूं तो दोनों का साइज क्या होगा। आपने सेम स्पेस में एक अच्छे से पेंसिल बॉक्स बना दी, एक अच्छे से मैच बॉक्स बना के दे दी, नंबर नहीं मिलेगा। वो कंपैरेटिव मेजरमेंट समझने की कोशिश कर रहा है कि दोनों में जो फर्क है वो बना रहे हो कि नहीं। तो इसके लिए जो हम लोग स्केचिंग शुरू कर रहे थे उसके बाद थोड़ा डिटेल में देखना शुरू किया था, अब उसका मेजरमेंट भी समझना शुरू करो। जो भी चीज आप बना रहे हो उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके समझो, बड़ा छोटा वॉल्यूम में क्या फर्क होता है, कोई चीज रखने में किस तरह के शेप लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक टूथपेस्ट अगर यूज कर रहे हो तो वो अगर 10 दिन यूज हो चुका है तो क्या हाल होता है, और जब नया है तो क्या चेंज आता है, ये सब जानना, ये सब समझना जरूरी है। ये आज की जो कंपैरिजन और ये जो मेजरमेंट का एरिया है यही है, और हम लोगों को ड्राइंग दिख ही रहा है यहाँ पे कैसे करके हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। अब ये ड्राइंग जब डिटेल पे बनाएगा वो रहेगा, वो ड्राइंग अगर डिटेल में समझना है जैसे मैंने शुरू में बोला, यू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो ये वीडियो एंड तक देखते हुए आपको फायदा क्या होगा? फायदा इसमें यही होगा कि ये ड्राइंग करने का एक प्रोसेस होता है, ड्राइंग शुरू कैसे किया, ड्राइंग को पूरा बनाने के टाइम पे किस किस प्रोसेस के थ्रू गया, ये जानना जरूरी है जो मैं शुरू में ही बोला। आप सिर्फ ड्राइंग करते हुए फास्ट फास्ट देख लिया, आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, जो बहुत जरूरत है। इफ यू आर अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट देन आई विल एक्सपेक्ट कि आप पूरा ड्राइंग देखोगे और उसके बाद एक अच्छे से ड्राइंग करोगे, इंस्टाग्राम में उठाकर हम लोगों को टैग करोगे या DM करोगे, सो दैट आई कैन सी योर वर्क, आई कैन कमेंट।
सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास।